गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं धीरज सिंह कक्षा 7 में नैतिक शिक्षा विषय को पढ़ाऊंगा। जैसा कि पहले मैं पीडीएफ फाइल के माध्यम से विषय सूची आप तक प्रेषित कर चुका हूं और आपको मिल भी चुका होगा, और आपने पढ़ा होगा कि नैतिक शिक्षा का पहला पाठ दया की देवी है। दया की देवी, बच्चों, दया की देवी नाम आते ही हमारे जहन में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम घुसता है, वह है मदर टेरेसा। जी हाँ बच्चों, मदर टेरेसा, आपने कई बार नाम सुना होगा मदर टेरेसा का। तो बच्चों, आज मैं बताऊंगा मदर टेरेसा के बारे में और उनके महान कार्यों के बारे में, जिनके कारण उन्हें हम ही नहीं पूरा विश्व याद करता है। तो आइए देखते हैं बच्चों, दया की देवी मदर टेरेसा। बच्चों, मदर टेरेसा का जन्म 27 अगस्त 1910 को यूगोस्लाविया में हुआ था। प्यारे बच्चों, हालांकि वह हमारे देश में जन्म नहीं ली, लेकिन वह सदा भारत के लिए बन के रह गई। और मैं आपको बता दूं कि जब यूगोस्लाविया में उन्होंने देखा कि भारत में दीन दुखियों, रोगियों की संख्या ज़्यादा है, यहाँ समस्याएं ज़्यादा हैं, तो उन्होंने लोगों की सेवा करने के उद्देश्य से अपने मुल्क को छोड़ करके और भारत के लिए प्रस्थान किया। और मदर टेरेसा भारत में जब आई, तो भारत में आने के बाद बहुत ही उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ा। प्यारे बच्चों, फिर भी इन्होंने विपरीत परिस्थितियों में होने के बाद भी और अपने कर्तव्य पथ से कभी मुख नहीं मोड़ा, और जो वो ठान करके आई थी भारत के लिए, वह कार्य उन्होंने पूर्ण किया। इसी क्रम में मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने भारत आकर के सर्वप्रथम शिशु भवन नामक एक आश्रम खोला, जिसका काम था असहाय बच्चों की सेवा करना, ऐसे दीन दुखी बच्चों की सेवा करना, उनकी मदद करना। ऐसे बच्चों को जहाँ भी वो पाती, उनको उठा करके लाती और खुद अपने हाथ से अपने बेटे की तरह से उनको नहलाना, धुलाना, साफ सफाई करना, उनके स्वास्थ्य की चिंता करना, उनके पढ़ाई लिखाई की चिंता करना, वह कार्य करती थी। उसमें कोई उनका सहयोग करता था तो ठीक, नहीं तो वह स्वयं ही वह अपने बेटे की तरह से हर बच्चों को पालती थी, पोसती थी। इसी क्रम में यह इनका कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। फिर उन्होंने देखा कि भारत के में बहुत सारे ऐसे असाध्य रोगों से पीड़ित लोग हैं जिनको कोई नहीं पूछ रहा, यहाँ तक उनके अपने ही लोग उनको दुत्कार दिए हैं, और ऐसी स्थिति में मदर टेरेसा से यह देखा नहीं गया। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक दृढ़ संकल्प किया कि मैं असहाय बच्चों के साथ साथ असाध्य रोगियों की भी मैं सेवा करूंगी। और इस संकल्प को मजबूत करने के लिए उन्होंने निर्मल हृदय नामक एक आश्रम की स्थापना की, जिसमें असाध्य रोगियों की सेवा की जाती है। बच्चों, ऐसा उन्हीं कार्य उन्होंने पूरा मन लगा करके किया, और धीरे धीरे इनको पहले सिस्टर का नाम दिया गया। ये सिस्टर जब आई यहाँ पे, तो समाज की सेवा को देखते हुए इनको सिस्टर की उपाधि से नवाजा गया और लोग इन्हें सिस्टर बुलाने लगे। लेकिन जब से ये शिशु भवन की स्थापना की और बच्चों की देखभाल करना शुरू की, उसके बाद से इनको लोग मदर करके के बुलाने लगे। उसके बाद इनके कार्यों को देखते हुए सन 1979 ईस्वी में नोबल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उसके बाद इन्होंने सन 1980 ईस्वी में भारत के सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न से इनको नवाजा गया, भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया। हालांकि बच्चों, यह इनका जीवन इतना आसान नहीं रहा, बड़े कठिनाइयों का दौर रहा। आप पढ़ेंगे
दया की देवी कहानी जो मैं आपको प्रेषित किया हूँ, भेजा हूँ, उसको आप कई बार पढ़िएगा। उसमें आप पढ़ेंगे तो और भी विस्तार से आपको पता चलेगा। लेकिन इसके बावजूद मैं संक्षिप्त में आपको एक बार बता देना चाहता हूँ कि इनका जीवन बहुत आसान नहीं रहा। तमाम तरह की कठिनाइयों से यह इनको गुजरना पड़ा और फिर भी यह हिम्मत नहीं हारी और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। धीरे धीरे इनको 1980 में भारत रत्न दिया गया। उसके बाद से यह अपने कार्य को करती रही और कभी भी पीछे मुड़ करके इन्होंने नहीं देखा। निरंतर समाज की सेवा करती रही और अंत में सेवा करते करते 5 सितंबर 1997 ईस्वी को यह सदा के लिए हमको छोड़ करके चली गई। तो प्यारे बच्चों, आज का पाठ दया की देवी यह हमें सीख देता है कि हमें हमेशा निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि आज वर्तमान परिवेश में सारे लोग अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं, दूसरों के लिए कोई कुछ नहीं करता है। तो बच्चों, इसी के साथ आज का पहला पाठ हमारा समाप्त होता है, दया की देवी। और इसका प्रश्न और उत्तर बच्चों आपको मैं पीडीएफ फाइल के रूप में प्रेषित कर दूंगा। धन्यवाद।